नमस्कार बच्चों, मैं गौरव त्यागी दाबे लेटेस्ट स्टडी सेंटर से। बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अकाउंट के पेपर की, तो मैं उनके हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। कंपनी के जो अकाउंट होता है उसका, कंपनी आपकी बुक है, उसमें डायरेक्ट किस तरीके से हम अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल की डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाएं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, जो ध्यान से देखें, क्वेश्चन को डिटेल से मैं पढ़ूंगा तो सारी चीज़ें मार्क करूंगा, सब चीज़ों को मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझें। ओके, 4 नंबर गेन करें। इसके साथ और भी वीडियोस डालूंगा, ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं गौरव त्यागी। ओके, तो हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, और बैलेंस शीट को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन मैंने चुना है ताकि आपको मैं सारी डिटेल से बात समझा सकूँ। तो देखें ज़रा, इलस्ट्रेशन नंबर 16, ठीक है, 7th में, चैप्टर नंबर 7th में। ओके, तो इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले ध्यान से देखो। क्वेश्चन मेन चीज़ होती है, ऑन 1 अप्रैल 2015, ओके, प्रार्थना लिमिटेड वॉज द फाउंड विद द ऑथराइज कैपिटल। तो ये मेन वर्ड है हमारा, हम इसे मार्क कर लेते हैं, ऑथराइज कैपिटल। ओके, ऑथराइज कैपिटल ऑफ 90 लाख, ठीक है, 90 लाख डिवाइडेड इनटू 90,000 शेयर, 100 रुपीज़ ईच। ओके, द कंपनी इज़ एप्लीकेशन ऑफ इशूड 80,000 इक्विटी शेयर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ड है वो है हमारे पास 90,000 इक्विटी शेयर, एंड एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर, तो ये भी हमारी एक मेन वर्ड है। 1,000 शेयर वर रिसीव्ड, एंड एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर इज़ द रिजेक्टेड फॉर द एप्लीकेशन मनी इज़ द रिफंडेड। ओके, 20,000 को वापस भी कर दिया गया। ऑल द कंपनी वर मेड एंड शेयर, यहाँ पे हमारी मेन चीज़ आती है, होल्डिंग 600 शेयर डिड नॉट पे ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं 600 शेयर की पेमेंट नहीं करी गई है, ठीक है, 600 शेयर की पेमेंट नहीं करी गई है। आप कहोगे मार्क क्यों करा सर, बैलेंस शीट में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब जरा हम जानते हैं बैलेंस शीट पर, जरा ध्यान से समझे कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से उठा के डालनी है बस। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बैलेंस शीट में बनता है नोट ऑफ अकाउंट। क्या बनना है? नोट ऑफ अकाउंट। इसे 3 हिस्सों में बांटना है आपको। सबसे पहला बांटना है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा बांटना है इशूड कैपिटल, तीसरा बांटना है सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर? इतना बांटना है। और सब्सक्राइब कैपिटल को 2 हिस्सों में बांटना है आपको। सबसे पहले बांटना है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा बांटना है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। डन? तो यहाँ से अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको डालना है ऑथराइज कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे मार्क करा था ऑथराइज कैपिटल वर्ड। ओके, ऑथराइज कैपिटल में ये जो दे रखा है ये रुपीज़ में दे रखा है, पर हमें इसका मतलब हमें शेयर से है अभी। तो हम क्या करेंगे, 19,000 इक्विटी शेयर और 100 रुपीज़ ईच। तो यहाँ पर ध्यान दें, देखिए 19,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपीज़ ईच, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रुपीज़ में भी ये बदल जाएगा। बैलेंस शीट का पहला पार्ट कंप्लीट, इसे यहाँ क्लोज कर देंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल 80,000, तो यहीं पे आप देख सकते हैं मैंने मार्क करा था इशूड, दिख रहा है इशूइंग, 80,000 इक्विटी शेयर। तो कुछ भी कहीं से कैलकुलेट की जरूरत नहीं है, बस वहाँ से उठाएं, यहाँ लिख दें 80,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपीज़ ईच था, मल्टीप्लाई कर दिया, ये डाल दिया। डन, इसे भी क्लोज कर देंगे। सेकेंड कंप्लीट। थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड बोलता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब को 2 हिस्सों में बांटना है आपको, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे एक ध्यान दें कि 80,000 था हमारा टोटल, इसमें से 600 की पेमेंट नहीं हो रही। आप कहेंगे सर 600 कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे मार्क करा था, ये देखिए शेयर होल्डिंग 600, ठीक है, डिड नॉट पे ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 600 की पेमेंट नहीं हुई, 600 माइनस कर लें, 600 माइनस करेंगे आएंगे आपका 79,400 इक्विटी शेयर। डन? तो इस 79,400 इक्विटी शेयर इंटू 100, ओके, 79,400 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ ईच से है, ठीक है, 80,000 में माइनस करने पर, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 79,000, ठीक है, 79,40,000। डन? अब बात आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप में वो डालना है जिसकी पेमेंट नहीं हुई। तो 600 शेयरों की पेमेंट नहीं हुई, क्या नहीं पेड हुआ, कॉल इन एडवांस और एरियर पेड नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 × 100 ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पर डालते हैं कॉल इन एरिया। तो कॉल इन एरिया कैसे निकालेंगे, कॉल मनी को हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कॉल मनी कितने रुपए की है आपकी, बैलेंसिंग बोला गया है कि कॉल मनी बैलेंसिंग है। ओके, तो 100 टोटल था, तो 30 और 40 70, 100 में से गए तो बचे कितने, 30। तो 30 आ रहा है, 30 की मल्टीप्लाई कर दो आप 600 से, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 600 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, तो आपका कितना आएगा, 18,000, यानी कि 18,000। ओके,
इन दोनों इस 79,40,000 में, ठीक है, इनके साथ कैलकुलेट करें, इन दोनों को ऐड करके यहाँ डाल दें, ठीक है, फिर इसके साथ इसे ऐड कर दें, ये डल गया। ओके, इसे उठाकर आपको डालना है बैलेंस शीट ऑफ, ठीक है, जो भी कंपनी का नाम हो, जैसे आप प्रार्थना लिमिटेड है तो प्रार्थना लिमिटेड डाला गया 31 मार्च 2016, इसे लिखना ना भूलें, डेट जरूर डालनी होती है, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखें, ठीक है, शेयर कैपिटल फंड लिखें, यहाँ लिखें शेयर कैपिटल, ओके, यहाँ देखिए लिखा भी है नंबर वन, तो नंबर वन यहाँ से हमारा शेयर कैपिटल यहाँ से आता है, तो ये जो बैलेंस आया है इसे उठाकर यहाँ डाल दें, क्लियर। अब एसेट डालिए और लाइबिलिटी डालिए, तो एसेट भी डालनी पड़ेगी, तो एसेट में लिखते हैं एसेट एंड करंट एसेट एंड कैश इक्विवेलेंट, जितना अमाउंट यहाँ है उतने को यहाँ डाल दें, क्लियर। आपके 4 नंबर पूरे पक्के, ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए शेयर और कमेंट करें, थैंक यू।